अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। मंथली डेयरी इनकम सर्वे में आज हम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे जनवरी 2024 की। डेयरी इनकम सर्वे में हम बेसिकली थोड़ा आइडिया देते हैं फार्मर्स को कि उनकी कास्ट क्या आ रही है पर लीटर, और जो मिल्क की सेल है वो क्या है। तो इसमें हम थोड़ा सा कह लें कि एक्चुअली तो डेयरी का जो रिपोर्ट है वो एनुअल बनती है सालाना, लेकिन हम उसको मैक्सिमम कह लें कि स्टैट की मदद से करके एक्यूरेट, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ना मंथली महीने पे लेके आए, तो महीने का एक आउटफ्लो दिया जाए कि इस महीने क्या कास्ट रही है और क्या प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ है मिल्क की कास्ट, कि मिल्क की बेस पे फार्मर ने क्या कमाया है या क्या उसने लॉस किया है। जो फार्म की ग्रोथ है, जो हीफर्स हैं, वो सारी इसी में पल रही होती हैं, वो एक अलग से कह लें कि वो एक प्रॉफिट है सारे का सारा। ये जो एक्सपेंसेस आज मैं बताऊंगा, इसमें जो हीफर्स हैं, जो बच्चे पैदा हुए वो कितना दूध पी रहे हैं, फिर वो हीफर्स हो गई प्रेग्नेंट, हीफर बन गई, कल को मिल्किंग हर्ड में शामिल हो गई, वो सब उनको जो उनके जो अखराजात हैं वो इन्हीं फिगर्स में होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो कह लें कि एक किस्म का वो प्रॉफिट है अलग से, जो आपको एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट होता है। तो हम बात करेंगे जनवरी 2024 में जो मिल्क की एवरेज सेल रही है वो 125 टू 130 रुपीज पर लीटर रही है। एवरेज सेल 125 से 130 रुपए रही है उन फार्म्स की जो मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी को दूध दे रहे हैं। ये उनकी मैं प्राइसिंग बता रहा हूं, जो लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी प्राइसेस इससे बेहतर हैं। अब इसमें जो 125 से 130 रही है, प्रोसेसर का रेट तो ऑलमोस्ट कह लें कि वो सेम है। इसमें टीएस पे जिनकी कटौती हुई, जिनके मिल्क के जो टीएस थे, टोटल सॉलिड्स थे, वो 12.25 या 12.5 थे, उनकी मिल्क की कटौती हो के उनका रेट ऑलमोस्ट 125 रुपए पर लीटर बना, और जिनकी कटौती नहीं हुई उनका 130 131 रुपए पर लीटर बना, और कुछ के टीएस जिनके 13 से ऊपर थे उनका 132 133 रुपए पर लीटर का रेट बना है जनवरी 2024 में मिल्क सेल का। अभी हम आते, ये डाटा है उन फार्म्स का जहां 40 से लेके 500 के बीच एनिमल्स हैं, 40 मिल्किंग एनिमल प्लस ओवरऑल हर्ड हम बात करेंगे 500। अगर हम प्योरली मिल्किंग की बात करें तो ये तकरीबन 40 मिल्किंग से लेके जो 300 मिल्किंग एनिमल्स तक के फार्म्स हैं उनकी ये रिपोर्ट है सेंट्रल पंजाब की, पाकिस्तान की। तो ये सेल की प्राइसेस थी। अभी हम आते हैं एक्सपेंसेस पे, कि एक लीटर दूध जो 125 या 130 रुपए में सेल हुआ उसको पैदा करने पे कितना खर्चा आया। तो पैदा करने पे, एक लीटर दूध को पैदा करने पे जो खर्चा आया वो 110 रुपए से 119 रुपए एक लीटर दूध पैदा करने पे खर्चा आया है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो फार्म्स जिन्होंने मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी को दूध दिया, टीएस पे उनकी कटौती हुई, उनका 119 रुपए अगर खर्चा था तो 6 रुपए उन्होंने एक लीटर के ऊपर बचाए, और जिनकी टीएस बेहतर थे उन्होंने तकरीबन 11-12 रुपए एक लीटर के ऊपर बचाए। तो ये है कॉस्ट जो कि 110 से 119 रुपए रही। अब इस कास्ट में आगे दो कास्ट मेजर हैं। ये जो 119 रुपए है इसमें से 80-85 रुपीज फीडिंग कास्ट है, मतलब जो जानवरों ने खाया ये वो कास्ट है 80-85 रुपीज, जबकि जो ऑपरेशनल कास्ट है वो रही है 25-34 रुपए, 25-34 रुपीज। ये दोनों कास्ट को हम लाएं तो ये 119 बनेगी। तो इसमें हम फीडिंग कास्ट से मतलब है कि फार्म पे जानवरों ने जो कुछ खाया, उसमें जो ही फरग्रो कर रही थी उन्होंने भी खाया, जो दूध दे रही थी उन्होंने भी खाया, जो ड्राई प्रेग्नेंट थी उन्होंने भी खाया, तो टोटल फीडिंग कास्ट जो थी वो 80-85 रुपए रही, और ऑपरेशनल कास्ट जो थी वो 25-34 रुपए रही। अब ऑपरेशनल कास्ट में सारी चीजें आ जाती हैं, सैलरीज, बिजली का बिल, फार्म पे जो जनरेटर चला, पेट्रोल की कंजप्शन, डीजल की कंजप्शन, मेडिसिन के एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, हर तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऑपरेशनल कास्ट में कंसीडर कर रहे हैं इस रिपोर्ट में।
ऑपरेशनल कास्ट ये रही है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मैगरिन 34 रुपीज, अगर किसी फार्म की ऑपरेशनल कास्ट है तो उसमें 10 रुपए सिर्फ पावर कास्ट है। पावर कास्ट मीन कि जो वापडा का बिजली का बिल है प्लस फार्म पे जो जनरेटर चला उसके लिए जो डीजल यूज हुआ वो, ये सारी हम लाएं तो 10 रुपए 1 लीटर दूध पैदा करने पे सिर्फ पावर कास्ट का एक्सपेंसेस है। जो 119 रुपए हैं उसमें से कह लें कि 10 रुपए सिर्फ और सिर्फ पावर कास्ट का एक्सपेंस है। सो ये तो हम पहले भी कहते हैं कि जिन्होंने डेयरी फार्मिंग करनी है उनके लिए जरूरी है सोलर पैनल या बायोगैस। तो ये डाटा है उन फार्म्स का जहां पे ना सोलर पैनल है ना ही बायोगैस है, उनकी पावर कास्ट 10 रुपए 1 लीटर पे है। अगर वो बायोगैस लगवाते हैं या सोलर पैनल पे आते हैं तो यही कास्ट कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि सोलर पैनल कितने के वी का है या जो बायोगैस है वो कितने घंटे जनरेटर चलाती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो फार्म जिनके पास ये दोनों फैसिलिटीज हैं उनकी पावर कास्ट नीचे आ जाएगी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है कास्ट का जनवरी में। हम इंशाल्लाह हर महीने इसी तरह कास्ट पे एक व्लॉग बनाया करेंगे कि क्या कास्ट रही है और क्या प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं। तो इसमें ये जो सारी कास्ट है, अगर किसी फार्मर को लग रहा है कि उसकी कास्ट इससे ज्यादा है या कम है तो उसको डेयरी सेंस को मेंटेन करना होगा। डेयरी सेंस हम बोलते हैं कि आपको प्लान करना है आपके फार्म पे एक टाइम में कितने एनिमल मिल्किंग होने चाहिए, कितने ड्राई प्रेग्नेंट होने चाहिए, कितनी ही फर्द होने चाहिए, कितने काफ होने चाहिए। मतलब वो एक रेशो है जिसे आप मेंटेन करेंगे तो ही आप दूध से प्रॉफिट ले सकेंगे। अगर आप रेशो मेंटेन नहीं करते तो आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैं एक बात कोट करूंगा इसमें कि अगर कोई फार्मर है वो कहता है कि जी ये जो रिपोर्ट है मेरे फार्म पे तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे तो एक्सपेंसेस बहुत हाई है और दूध में से प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, तो उसको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके फार्म पे मिल्किंग एनिमल 100 हैं और खाने वाले जानवर 300 हैं। मतलब ओवरऑल उसका 400 का हर्ड है जिसमें से दूध देने वाले जानवर सिर्फ 100 हैं, तो वो तो कभी भी डेयरी सेंस को मेंटेन कर ही नहीं रहा, तो वो इन फिगर्स में लाई नहीं कर सकता। सो डेयरी सेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये थी जी जनवरी 2024 की रिपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम फरवरी की रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।